अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है जाहिद और आप देख रहे हैं ए अज़ीज़ टेक्निकल चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्ल कंपनी के नॉन इन्वर्टर एसी के अंदर अगर E4 का एरर आता है तो उसमें क्या फॉल्ट हो सकता है। तो दोस्तों, E4 का एरर जब पर्ल कंपनी के नॉन इन्वर्टर एसी में आएगा तो इसमें 6 रीज़न होंगे, 6 ऐसे फॉल्ट हैं जिनकी वजह से E4 का एरर आपको देखने को मिलेगा। का आगाज इस रिक्वेस्ट के साथ, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सबसे पहला फॉल्ट कंप्रेसर का है। अगर कंप्रेसर वर्क नहीं करेगा, किसी भी वजह से कंप्रेसर बंद रहेगा, नहीं चलेगा, तो उस सूरत में भी E4 का एरर डिस्प्ले पर शो होगा। दूसरे नंबर पर कंडेंसर फैन मोटर किसी भी वजह से अगर नहीं चलेगी, अगर कंडेंसर फैन मोटर जाम हो जाएगी तो उस सूरत में भी E4 का एरर शो होगा। तीसरे नंबर पर अगर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर लो हो जाता है, लीकेज की वजह से रेफ्रिजरेंट का प्रेशर अगर लो हो जाता है तो उस सूरत में भी E4 का एरर देखने को मिलेगा। सर, फैन मोटर का अगर फैन ब्लेड टूट जाता है तो उस सूरत में भी E4 का एरर आएगा। उसकी वजह यह है, कंडेंसर फैन मोटर वर्क नहीं करेगी, कंप्रेसर हीट अप होगा, तो उस सूरत में भी E4 का एरर आएगा। तो दोस्तों, किसी भी वजह से अगर आउटडोर फॉल्टी है, आउटडोर ऑन नहीं हो रहा, इंडोर कमांड देता है ऑन होने की लेकिन आउटडोर ऑन नहीं होता, प्रॉपर वर्क नहीं करता, तो उस सूरत में भी E4 का एरर आएगा। कॉइल सेंसर इंडोर की कॉइल के टेम्परेचर को सेंस करेगा, टेम्परेचर डाउन नहीं होगा तो उस सूरत में भी E4 का एरर आएगा। आप एक दफ़ा यूनिट को ऑफ करके दोबारा ऑन करते हैं, कुछ देर प्रॉपर कूलिंग होती है और उसके बाद E4 का एरर आता है, तो उस सूरत में आप कॉइल सेंसर को चेंज करेंगे, आपका कॉइल सेंसर फॉल्टी होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें। दुआओं में याद रखिएगा। हाज़िर होंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।